हम धम्मदिना का परिचय भी करके लेंगे, है ना, कि वो किस तरह से थी और क्या आगे चलकर उन्होंने किस तरह से अर्हंत प्राप्त किया। और जो थेरी गाता है, तो ऐसा मैंने पढ़ा है कि जो भी प्रवर्ज्य महिलाएं लेती थी, महिलाएं जो प्रवर्ज्य लेती थी मुक्ति के मार्ग पर जो गई हुई है उनको ही थेरी कहते हैं। मैंने सुबह जिन्होंने भी थेरी गाथा के ऊपर प्रवचन दिए हैं, तो मैंने 4-5 टॉक सुने थे, तो उन्होंने पहले से ही परिचय करके दिया था उनकी जो थेरी गाथा कब से है, कितनी गाथाएं हैं, थेरी किसको कहते हैं, ये सब सभी ने बताए हैं। तो मुझे लगा कि इस पर न बताते हुए मैं थोड़ा आगे जाऊंगी। तो बुद्ध के काल में ये जो थेरी महिलाएं है, भिक्षुणी महिलाएं, वो बुद्ध के काल की है ज्यादातर। तीसरी संगीति के बाद जब क्या संघमित्रा जी है, जब तीसरी संगीति के बाद संघमित्रा जी अर्हंत प्राप्त की थी, वहां पे जो श्रीलंका में जो भिक्षुणी संघ था वो अलग था, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं थेरी गाथा की जो भी किताबें है, तो वो सब बुद्ध के काल की है, बुद्ध के काल की धम्म महिलाएं है। तो ऐसा कहते हैं कि उस टाइम में कड़े नियम होने के बावजूद भी बड़े पैमाने पर स्त्रियां बौद्ध संघ में आई थी, और संघ में आकर उन्होंने खुद को कई सामाजिक प्रतिबंधों से मुक्त पाई थी। और बुद्ध के संघ में भिन्न भिन्न जाति कुलों की थी, और उसमें से जो धम्मदिना है वो वैश्य वर्ण की थी, और वैश्य वर्ण आप हम सभी को पता है कि ये सेठ लोग बोलते हैं, नहीं क्या, जो व्यापार करते हैं, तो उस व्यापार करने की जो लड़की थी वैश्य कहते उनको, तो उस वर्ग की वो महिला थी। जिन महिलाओं ने प्रवज्य की उनको थेरी कहलाते थे। यह सामाजिक बदलाव और ये बहुत बड़ी क्रांति थी। सभी को पता है बुद्ध के काल में भी 4 वर्ण व्यवस्था थी, और जब सिद्धार्थ गौतम का हम अगर सिद्धार्थ गौतम की तरफ जब देखते हैं, तो वो भी क्षत्रिय थे, हम ऐसा हम सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, है ना। तो उस समय भी 4 वर्ण व्यवस्था थी। तो इसको लेके धम्मदिना की जो गाथा है, तो मैं उसको पढ़ती हूँ। ऐसा कहा है कि राजगृह में वैश्य कुल में धम्मदिना का जन्म हुआ था, और विशाख उनके पति का नाम था विशाख, वो बहुत ही समृद्धिशाली था, धनी सेठ था, और विशाख नामक समृद्धिशाली धनी सेठ के साथ उनका विवाह हुआ था इस धम्मदिना का। और बुद्ध उस समय राजगृह में ही विहार कर रहे थे, उनकी ख्याति और नाम चारों ओर फैला था, बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आते थे। एक दिन धम्मदिना का पति बुद्ध दर्शन के लिए गया और वहां से गहन ध्यान दृष्टि लेकर लौटा। यहाँ पे जो बात बताई है ज्ञान दृष्टि, तो मुझे ऐसा लगा कि ज्ञान दृष्टि मतलब ऐसा ही होगा कि उन्होंने झट से ही श्वेतापन्न अवस्था प्राप्त की होगी। और जब वो लौटे घर पे, तो घर आने पर उसने अपनी पत्नी द्वारा प्रेम दर्शन का कोई उत्तर नहीं दिया। जैसे कि हम हमेशा सभी यहाँ पे शादीशुदा महिला है, ऐसा मैं मान के चलती हूँ, कुछ लड़कियां भी होंगी, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को पता है कि क्या होता है प्रेम प्रदर्शन का, नहीं क्या, कि प्यार से बात करना, अगर हमारे मिस्टर ड्यूटी पे जाते हैं तो घर पे आने के बाद हम उनके साथ बातें करते हैं, हम भी उनके साथ बहुत जो भी दिन भर में जो भी कुछ हुआ है तो उनको बताते हैं, वो भी हमारे साथ बातचीत करते हैं, और चाय पानी हो जाता है, ये सब बातें हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि प्यार भरी बातें, है ना। तो उसी तरह से जो विशाख नामक जो धम्मदिना के जो पति है, तो बुद्ध दर्शन के लिए गए थे, और वहां से आकर उन्होंने जो ध्यान हुआ था उनका, तो उनको श्वेतापन्न अवस्था प्राप्त हुई थी, और घर आने पर उसने अपनी पत्नी द्वारा प्रेम प्रदर्शन का कोई उत्तर नहीं दिया था।
और भोजन करते समय भी उससे बातचीत नहीं की। पत्नी ने अनन्य पूर्वक पूछा, पत्नी ने आश्चर्य पूर्वक पूछा, स्वामी क्या मुझसे कोई भूल या गलती हो गई है? पति ने उत्तर दिया, धम्मदिने तेरा कोई दोष नहीं है, न तेरे से कोई भूल या गलती हुई है, परंतु मैं आज से काम वासना का आनंद लेने में और भोजन में स्वाद अनुभव करने के अयोग्य हो गया हूँ। इसलिए यदि तू चाहे तो इस घर में रहे, अन्यथा तू जितना भी धन चाहे लेकर अपने माता पिता के घर चली जाए। ये जो उनका संवाद है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मेरा परिचय करके दिया सम्यका जी ने कि ये मेरे पति और मैं, हम दोनों का जो वार्तालाप होता है, हम दोनों का जो संभाषण होता है, तो मुझे क्या करना है, हाँ तो मैं उनको बताती हूँ और उनको जो क्या करना है वो भी उनको मुझे बताते हैं। ये दोनों का जो वार्तालाप होता है पति पत्नी का, वो बहुत अच्छे से जब हम धर्माचरण करने के लिए तैयार होते हैं, संघ में शामिल होते हैं, तो उस तरह का वार्तालाप हो जाता है। और यहाँ पे जो धम्मदिना और विशाख नामक जो उनके पति है, तो उनका जो वार्तालाप मैं देख रही थी, सोच रही थी कि कितने अच्छे से सरलता से वो बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। नहीं तो जो भी धर्माचरण न करने वाले जो लोग होते हैं, तो ठीक है पति नहीं बोल रहा है तो नहीं बोलने दो, जाने दो, पत्नी को भी गुस्सा आ जाता है ना कि मैं क्यों बोलूं, वो तो नहीं बात कर रहे तो जाने दो, कुछ तो हुआ होगा, ये भी सब बातें। ऐसा धर्माचरण करने वाले जो लोग है इस तरह का सोचते हैं। तो जो धर्माचरण करते हैं तो उनका जो वार्तालाप होता है तो इसी तरह का होता है, जो एक दूसरे को समझ सके। तो ये मुझे उनका जो वार्तालाप है बहुत पसंद आया था। और उन्होंने बोला कि मुझे जो दृष्टि लाभ हुआ है, उस दृष्टि लाभ से मुझे कुछ ये काम छंद जो है, मैं काम वासना से ऊपर उठा हूँ, और जो खाना भी है तो खाने से भी मुझे उतना स्वाद नहीं लग रहा, मैं उसको कैसे ले रहा हूँ, सिर्फ मुझे मेरा पेट भरने के लिए मुझे ये, मैं ये खाना खा रहा हूँ, इसका ऐसा उनका मतलब है। और फिर उससे कह सकते हैं हम कि कितने आसानी से वो पत्नी को बता रहे हैं कि यदि तू चाहे तो इस घर में रहे, अन्यथा तू जितना भी चाहे धन चाहे लेकर अपने माता पिता के घर चली जाए। धम्मदिना ने अपने पति के अनासक्त भाव को जाना, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जब भी उनका जो उनका वार्तालाप हुआ था, उनका जो संभाषण हो रहा है, तो उतनी ही ग्रहणशीलता से वो अपने पति का संवाद सुन रही है, वो क्या बोल रहे हैं वो बहुत ही ग्रहणशीलता से। मुझे ऐसा लगा कि ऑलरेडी ही वो ग्रहणशीलता उसमें थी, और वही ऑलरेडी धर्माचरण करने के योग्य थी, ऐसा मुझे लग रहा था। अपने पति के अनासक्त भाव से प्रेरित होकर वह भी अनासक्त हो गई, यानी कि उनके पति ने जो भी बातें उनके सामने रखी तो डायरेक्ट उनको प्रेरणा मिली, यानी कि वो ऑलरेडी तैयार थी प्रवचन लेने के लिए, वो तैयार थी, ऐसा इस वाक्य से संबोधित होता है कि वो डायरेक्ट उनसे प्रेरणा ली और अनासक्त हो गई। अनासक्त मतलब क्या होता है, जो भी हमारी सभी भौतिक चीजों से मुक्ति, जो भी हमारी आसक्ति रहती है भौतिक चीजों से कि मेरा घर इतना अच्छा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी धन हो, ऑलरेडी वो व्यापारी करने वाले लोग थे, और व्यापारी लोग हमें पता है, बिजनेस करने वाले लोग पता है, उनके घर में बहुत सारा पैसा रहता है, तो डायरेक्टली बोल देते हैं, विशाख नामक उनकी जो पति है, डायरेक्ट बोल देते हैं कि मुझमें अभी इसमें कुछ वासना नहीं रही, मैं इसमें से बाहर निकल गया हूँ, जो भी धन है, जो भी पैसा है, संपत्ति है, वो सब लेके तो अपने मायके चली जा सकती है। लेकिन उन्होंने वो नहीं कहा कि अगर मैं कैसे चली जाऊं, हाँ आपको भी मैंने संसार किया है, मैंने आपको चुना है, हमारा विवाह हुआ है, तो मैं नहीं जाऊंगी, आपको भी यही रहना है, मुझे भी यही रहना है, ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो डायरेक्टली क्या किया, उन्होंने प्रेरणा ली उनसे और अनासक्त तो हो गई, हाँ जो भी भौतिक चीजें है, भौतिक चीजों से उनकी जो वासना है वो कम हो गई, और अपने पति के अनासक्त भाव से प्रेरित होकर वह भी अनासक्त हो गई।
उसने अपने पति की अनुमति से फ्लोरजा लेना ही स्वीकार किया। ये फ्लोरजा है तो उनके पति की सम्मति ली और झट से उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे अभी फ्लोरजा लेनी ही है। वह बुद्ध के संपर्क में आई और फ्लोरजा ग्रहण की। ये जो फ्लोरजा है तो जब हमारा शरण वृक्ष का शिविर हुआ था उस शिविर में उनकी स्टोरी जरा अलग सी बताई थी और मैं तभी उनके तरफ आकर्षित हो गई थी कि और जो दोनों का वार्तालाप है, दोनों के संबंध किस तरह से होंगे। जैसे कि पति ने बताया है कि मुझे ऐसा मैं अनासक्त हो गया हूँ, मुझे मैं कामवासना से आनंद कामवासना का आनंद नहीं ले पा ले लेने में और भोजन में क्या भोजन में स्वाद अनुभव करने का अयोग्य हो गया हूँ। जब ये बातें उन्होंने बताई तो धम्मदिना की बातें क्या हुई, वो सिर्फ ग्रहणशीलता से सुनती रहे। उनमें अपने आप जो बदलाव हुआ है तो बदलाव के कारण वो उन्होंने भी कहा, डिसीजन लिया कि मुझे प्रोर्जा लेनी है और झट से उनके पति ने भी प्रोर्जा लेने के लिए वो तैयार रहे। वो कितनी बड़ी बात है और दोनों का नाता किस तरह का होगा, वो दोनों किस तरह से एक दूसरे के साथ रहते होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। ये अभी के काल में अगर हम देखें, वर्तमान काल में ऐसा नहीं होता। हमें अगर शिविर में लेके हमें अगर शिविर में जाना है तो कितनी बार हमें विनती करनी पड़ती है हा? और हम खुद भी इतने सारे भौतिक चीजों में, हमारे बेटे में, हमारे पति में इतने आसक्त तो हो जाते हैं कि हमें शिविर में जाने के लिए सुधा शिविर में जाने के लिए भी हमें टाइम टाइम निकालते नहीं। और यहाँ पे जो दोनों का जो वार्तालाप है वो मुझे बहुत पसंद आया कि कितने अपने समंजस, मराठी में समंजस मंतर, कि दोनों का जो वार्तालाप है आपको समझ में आ रहा होगा कि वो कितना कैसा होगा उनका नाता, उनका संबंध कैसा होगा। कि उनको प्रेरणा मिली धम्मदिना को और वो भी बोल रही थी कि मुझे प्रवर्चा लेनी है और उन्होंने बुद्ध के पास जाकर उन्होंने प्रवर्चा ली तो उनको जो दृष्टि लाभ हुआ था तो वो बहुत ही अलग था, है ना। तो ऐसा मैंने सुना है उस शरण वृक्ष के शिविर में कि उनकी जो प्रवर्चा हुई और उनको जाना था, घर छोड़कर जाना था, फिर वो भिक्षुनों के साथ नहीं रही। उस टाइम में भी भिक्षुनी थी, है ना, लेकिन वो भिक्षुनों के साथ भिक्षुनी संघ था तो उस संघ में नहीं रही, वो एकांतवास में चली गई। और एकांतवास में जाने के लिए जो भी ऐसा कहते कि निर्जन स्थान था, जिस जगह वो जाने वाले थी वो बहुत ही निर्जन स्थान था, वहां पे कोई भी आता जाता नहीं था, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी। इस जगह वो जाने वाली थी और जिस जगह वो जाने वाली थी एकांतवास करने के लिए जाने वाली थी तो उनके पति ने मिरवणूक, मराठी मध्ये मिरवणूक बोलते हैं उसको, तो करके गांव से उनको मिरवणूक करके उनको भेजा था उस एकांतवास में, ताकि ये जो प्रेरणा है सभी को मिले, सभी महिलाओं को मिले, है ना। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी। ये जो एक एक छोटी छोटी बात, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये बातें क्यों बता रहे, लेकिन एक एक बातों को लेके अगर हम चिंतन करते हैं ना, बहुत बड़ी बात है, वो हम नहीं कर सकते। क्योंकि मैं भी इससे गुजरी हुई हूँ, मुझे भी धम्म क्या बोलते हैं धम्मचारिणी बनने के लिए जो शिविर करने पड़ते थे तो सरलता से मैं शिविर नहीं कर पाती थी। जो भी मेरे धम्म के प्रति लगाव है, मेरा जो लगाव है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं पूरा सब छोड़कर मैं इसमें ही चली जाऊँ, धम्म का ही चिंतन करती रहूँ, एकांतवास के लिए ही चली जाऊँ, लेकिन इतना आसान नहीं है महिलाओं के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम अगर ऐसा मेरे साथ भी होता तो मैं सच में चली जाती, सरलता से मैं चली जाती। सभी महिलाएं ऐसा नहीं कर पाती, अभी की महिलाएं नहीं कर पाती, वो बुद्ध का ही काल था जो श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करते थे लोग और उस टाइम में महिलाओं को भी छोड़ देता है, लेकिन उतना भी वो काल था तो ऐसा नहीं कि वहां पे वर्णभेद नहीं था। ये जो समानता है उस टाइम में भी बुद्ध ने दी थी, समानता,
जो अभी भी बाबा साहब ने दी है, अभी भी हम देख रहे हैं समानता और संघ में होने के बावजूद भी उतना सरल नहीं है, समानता उतनी आसानी से नहीं मिलता, बहुत कठिन बात है। और संघ में अभी भी संघ में त्रिरत्न गौतमा संघ में इतनी सारी समानता होने के बावजूद भी हमारी जो महिलाएं है वो घर घर करके ही बैठी है। अभी एक शिविर हुआ था, उस शिविर में एक महिला थी, तो मैंने उनको कहा था कि आप शिविर क्यों नहीं करवाते, उनकी जो समझ है धर्म के प्रति बहुत अच्छी है, तो मुझे लगा कि उन्होंने शिविर किए होंगे बहुत सारे। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे हैं, बड़े बड़े हैं, अभी वो एजुकेशन कर रहे हैं, एजुकेशन के बाद मैं देखूंगी। तो मैंने उनको कहा कि महीने में साल में कम से कम 2 बार तो शिविर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और उनकी जो बेटियां हैं वो बोल रहे थे नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बेटी बहुत एक मुझे पूरे जिले में पहला नंबर आता है, इस तरह की उनकी शिक्षा वो स्टडी करती है, तो मुझे उनको सब देना पड़ता है। लेकिन ठीक है ना, वो देना पड़ता है तो, लेकिन बच्चे भी अगर ऐसा शिक्षित है, सुशिक्षित हो रही है, तो उनको भी समझ में आता है ना कि अपने मम्मी को भी शिविर में भेजना चाहिए करके। आप बता सकती हो, आप वार्तालाप कर सकती हो, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि शिविर में जाना है, तो सच में महिला कर सकती है, सभी के लिए उतनी दिक्कतें नहीं। लेकिन हम महिलाएं क्या करती है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पूरा आजू बाजू का जो भी लोग है, यही सब उसमें ही आसक्त रहते हैं। और ये मौका अभी मिले किसी महिला को मिले भी, फिर भी वो नहीं करते। घर के लोग अच्छे रहते, सभी काम करने वाले लोग रहते, फिर भी वो शिविर में नहीं जाते। यही मुझे कहना था कि महिलाओं को बहुत ही कभी कभी सरलता से जीने के लिए टाइम भी मिलता है, वो सरलता से कर भी सकती है, फिर भी उसको देख नहीं पाती कि मैं कर सकती हूँ। तो सभी की जो भी महिलाएं आगे आती है ना, ऐसे ऐसे ही महिलाएं आगे नहीं आ सकती, वो पहले हमें खुद पर कार्य करना पड़ता है, तभी हम बाहर जाते हैं। और उसमें भी हमें धम्म विजय करना चाहिए, धम्म विजय करके हमें जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है, अगर हमारा उद्देश्य उसी तरह से होगा, जो भी हमें लगता है कि मुझे सुख चाहिए, तो सच में संघ में जाने के लिए बहुत सारी सुविधा होती है, पैसे भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि आर्थिकता भी नहीं होती। बहुत सारी ऐसी सहेलियां हमारे संघ में है जो हम एक दूसरे को मदद करते हैं। तो ये जो महिलाएं खुद को ऐसा करके रखती है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि कैसी ये महिलाएं, जब मैं शिविर में जाती थी तो मुझे डर लगता था मेरे घर में आकर झगड़ा होगा क्या, लेकिन मैं शिविर में जाती थी इसीलिए कि मुझे लगाव था धर्म के प्रति, और बचपन से ही था, मुझे लग रहा था कि और मैं अच्छा सीख लूं। और जब हम शिविर में जाके जो कुछ बातें बताते पढ़ के आते हैं, सुन के आते हैं, और जो हमारे अंदर की जो गहराई में हम देखते हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सारा हम पे ही लगता है कि हमारे कारण ही झगड़े होते हैं, क्योंकि जो हमारे जो अहंकार है हम उसको निकालने की कोशिश ही नहीं करते। तो हमें ये निकालना पड़ेगा, तभी हम सुख से रह सकते हैं। हमारे घर में या आजू बाजू में जो भी झगड़े होते हैं, हम हमेशा कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि संसार दुखमय है। संसार क्यों दुखमय है, इसका कभी चिंतन किया होगा आपने? करो, अभी तक नहीं किया होगा तो करो। संसार में भी सुखमय वातावरण निर्माण कर सकते हैं, वो भी है, उसका भी चिंतन करो कि क्यों कैसे। क्योंकि मैं तो खुद का अनुभव मेरा खुद का अनुभव है कि संसार में भी हम सुख से रह सकते हैं, वो हम पर निर्भर है। अगर मैं धर्मों को अच्छी तरह से आचरण में लाती हूँ, मैं अच्छे से चिंतन करती हूँ, बुद्ध के धम्म जो भी बताए हैं, जो भी शिक्षाएं हैं, उनका अगर हम चिंतन करते हैं, तो सच में हमें वो समझ में आ जाता है कि सुख संसार में भी है। लेकिन संसार में रहकर ही हम अपनी श्वेतापन्न अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, ये विश्वास है, हम कर सकते हैं। तो यही बात मुझे धम्म दिना में दिखाई दी, और मुझे लगा कि मैं धम्म दिना के बारे में ही बताऊं। ये जो भी थेरी गाथाएं है तो महिला के ऊपर है, महिलाओं ने उनकी प्रेरणा लेने के बाद, सच में हम थेरी गाथा जो भी आपने ये जो प्रवचन मालिका शुरू की है थेरी गाथा पर,
अभी तक हमने क्या किया है और क्या करने वाले हैं, हमने क्या प्रेरणा ली है थेरी गाथा से, तो ये बहुत जरूरी है। हमें प्रश्न प्रश्न आने चाहिए कि मुझे क्या लेना है। तो धम्मदिना ने जब एकांतवास किया है, निर्जन स्थान में साधना की है, अकेले ही साधना कर रही थी, भिक्षुओं के साथ नहीं रहती थी, तो उन्होंने वर्ण जाति और गोत्र के सभी बंधनों को नकारा। ये नकारा मतलब क्या है कि उनकी ऊपर उठी जो भी जाति है। हम बता बाबा साहब भी कहते हैं कि जाति को छोड़ना है, जाति को छोड़ना है। जब तक जाति को नहीं छोड़ सकते, हम अच्छा समाज में अच्छा बदलाव नहीं ला सकते। और जो भी बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दिया है वो आदर्श समाज है, और आदर्श समाज को ही हमें लोगों के सामने रखना है। फिर ये आदर्श समाज कैसे निर्माण होगा? जो भी हम महिलाएं हैं, खुद को बौद्ध समझते हैं, बाबा साहब को हम समझते हैं, तो उन्होंने जो भी बताया है बौद्ध धर्म में, जो भी शिक्षाएं हैं, उसको अपने आचरण में लाके हम आदर्श स्त्री बन सकते हैं। वही हमारा बौद्ध धर्म का आदर्श हो सकता है। तब तक हम मैं बौद्ध हूँ ऐसा नहीं कह सकते। मुझे सच में वो आचरण करके मुझे सुख निर्माण हो रहा है क्या? मैं सुखी हो रही हूँ क्या? यह हमें बताना है, तभी हम अपने बाबा साहब का कार्य थोड़े पैमाने पे आगे ले जा सकते हैं। और आपने जो अगर मुक्ति कौन पते ये पुस्तक, ये किताब पढ़ी होंगी, जो भी बाबा साहब ने उनकी वहां पे भी मानसिक स्वतंत्रता बताई है। फिर मानसिक स्वतंत्रता क्या है, यह हमें प्रश्न आने चाहिए। जो मानसिक स्वतंत्रता है उसके ऊपर हमें उठना है। जो भी जाति, हम जाति को लेके हम आगे जाते हैं, कभी भी जाओ हम देखते हैं कि मैं इस जाति की हूँ। हमें जात है ही नहीं, बौद्ध धर्म में जात है ही नहीं, तो फिर क्यों बता रहे हो आप? बौद्ध धर्म तो बौद्ध धर्म है, उसमें कोई जाति नहीं। अभी भी लोग पोट जाति को लेके भी झगड़ा कर रहे हैं, पोट जाति को लेके ही अपने बेटे की या बेटी की शादी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैं अगर बुद्धिस्ट हूँ, मैं अगर खुद को बौद्ध समझती हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर उठना चाहिए। और यहाँ पे है ना, धम्मदिना ने वही किया है। उस टाइम में भी वो, मैंने कहा ना पहले ही कहा कि वो वैश्य कुल में थी, वैश्य वर्ण में थी, तो उसके ऊपर भी वो उठी थी। उस टाइम में भी महिलाओं को शिक्षित शिक्षा देने का अधिकार नहीं था, लेकिन भिक्षु संघ में बुद्ध ने वो वहां पे बताया कि वो रखा है, उन्होंने डायरेक्ट वहां पे रखा है, एक पुरुष और एक महिला दोनों समान है, दोनों भी अर्हंत पद प्राप्त कर सकते हैं, दोनों भी शिक्षा के लायक है, वहां पे वो बताया है बाबा बुद्ध ने। तो ये जो बातें है तो हमें समझ में आनी चाहिए। जो भी हम कोट जाति को लेके अभी भी जी रहे, तो मुझे लगता है बस हो गया, अभी छोड़ दो उसे। ये सर्वसाधारण विषय नहीं है, बहुत गहन गहन विषय है, तो उसके ऊपर हमें कार्य करना है। और हम जो थेरी गाथे ले रहे, कौन सी भिक्षुनी किस तरह से ऊपर उठी है और किसके ऊपर उठी है, किस बातों के ऊपर उठी है, वो हमें देखना है। उन्होंने कहा कि हम चार वर्ण के ऊपर भी उठी है, जाति और गोत्र के सभी बंधनों को नकारा, उसने सभी प्रकार की मिथ्या मान्यताएं और अंधश्रद्धाओं का भी त्याग किया। ये बहुत बड़ी बात है। ये मिथ्या क्या है फिर? ये मिथ्या है कि जो चार विपर्यास कह सकते हैं हम उनको, चार विपर्यास सभी को पता है, जैसे कि अनित्य को नित्य करके देखना, अनात्म को आत्मा करके देखना, दुख में सुख ढूंढना है, अशुभ शुभ या कुरूपता या सुंदरता कह सकते हैं हम उसको। मुझे बताना कि कितना टाइम हुआ है, मुझे कितने देर तक बोलना है। वैसे तो मैं 3:15 बजे बोलना शुरू की थी। और ये जो चार विपर्यास है तो उनके ऊपर वो उठी थी। मिथ्या मतलब क्या है? अज्ञान है। और ये अज्ञान होने के कारण ही विपर्यास है, और हम विपर्यास में ही जीते हैं। फिर ये अनात्म क्या है? अभी तक किसी ने चिंतन किया कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये अनात्म क्या है? जो भी चीज है, जो भी भौतिक वस्तु है, वो अनात्म है। तो अनात्म करके हम चलते ही नहीं। हम तो बोलते हैं कि मैं इतने सालों से मैं धम्म स्टडी कर रही हूँ, इतने सालों से मैं संघ हूँ,
फिर अनात्मा को देख के क्यों नहीं चल रहे, क्यों दुख हो रहा है, हर एक वस्तु को लेके क्यों दुख हो रहा है आपको? हर एक हम कहते हैं कि अनित्य है, हर एक बुद्ध कहते हैं कि हर एक व्यक्ति हर एक वस्तु या व्यक्ति भी अनित्य है, मैं भी अनित्य हूँ, फिर भी मैं अपने रूप से आसक्त हूँ, फिर भी मैं अपने रूप से अनित्य होने के बावजूद भी मुझे अपने सौंदर्य पर गर्व है, अहंकार है ना। तो ये सब बातें हैं तो हमें समझ में आनी चाहिए, या चिंतन करते हैं या करते नहीं है। मैं तो मुझे ये पता नहीं था बौद्ध धर्म इतनी गहराई में मुझे मैं नहीं चली जाती थी, उतनी गहराई भी अभी भी नहीं है, फिर भी मुझे संघ उस टाइम में संघ भी नहीं पता था, लेकिन मैं है ना बहुत ऐसे बूढ़े लोग रहते हैं, बूढ़ी महिलाएं रहती है, बूढ़ी नहीं कह सकते हैं उसको, वयस्क नहीं कहा, जिनका उम्र उनकी जिनकी उम्र हो गई है, तो ऐसे जो लोग रहते थे ना मैं उनको तरफ देखती थी, वो छोटी थी, मुझे हमेशा वो याद आता है, मैं वो सोचती थी कि वो युवाओं में किस तरह से देखती होंगी, किस तरह से उनका रूप होगा। अभी मैं जो उनका उनकी उम्र हो गई है, बूढ़े है, तो उसकी तरफ ना देखते हुए मैं वो सोचती थी, उस पर मेरा चिंतन जाता था कि अरे युवा अवस्था में ये किस तरह से दिखती होंगी, उनका चेहरा कैसे किस तरह से होगा। तो वो मैं सुंदरता देखती थी उनमें, जो बूढ़े जो है उनकी जिनकी उम्र हो गई है, तो उनकी उम्र में भी मैं वो उनकी सुंदरता, वो तरुण अवस्था की सुंदरता मैं देखती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अरे कितनी सुंदर थी ये। तो मैं इस तरह का चिंतन कर रही थी, ये मुझे अनित्य वगैरह कुछ पता नहीं था उस टाइम, ये शब्द भी मुझे पता नहीं थे, तो मुझे लग रहा था, अभी मुझे लगता है कि अरे मेरा बचपन ही चिंतनमय था और मैं ये सब देखती थी, इसलिए मुझे संघ मिला होगा। और जो भी मैं स्टडी करती हूँ तो मैं बहुत चिंतन में चली जाती हूँ, मैं ज्यादा स्टडी नहीं करती, मैं थोड़ा सा ही स्टडी करती हूँ, लेकिन उसके ऊपर चिंतन करती रहती हूँ, ताकि मैं बुद्ध ने जो भी बताया है सुख, तो सुख क्या है वो मैं कोशिश करती हूँ। तो उसी तरह का जो अनित्य है, तो फिर जो भी चीजें है अनित्य हो के हम नित्य करके देखते हैं, फिर ये चीजें अनित्य कैसे हमेशा हमें फूलों की तरफ लेके जाते हैं, उदाहरण के तौर पर है ना, जैसे कि एक छोटी सा मराठी में त्याला काय म्हणतात माहित नाही, ते कळी असतं नाही का गुलाबाची, जर समजा कळी असेल तर त्या कळीचं रूपांतर फुलामध्ये होतं, नंतर त्याचं ते आणखी चांगलं फुलत, मराठी समज आता है, वो जल्दी से आ जाता है मराठी, मैं मराठी बोलती हूँ हिंदी में बात नहीं करती, लेकिन ही मुझे हिंदी में बात करने के लिए अभी बताया गया है ना। तो वो जो फूल है, फूल ऐसा बढ़ जाता है, उसका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है, फिर वो खत्म हो जाता है, उनकी जो पंखुड़िया है वो नीचे गिर जाती है। तो ये जो बातें हैं तो हम देखते ही नहीं उसकी तरफ कि ये कैसे हो रहा है। एक पका हुआ फल है तो नीचे आना ही है, ये जो बातें हैं, ये जो अनित्यता है वो हम देखते ही नहीं, तो उसको हमें लेके जा उस अनित्य को हमेशा हमारे जीवन में उतारना है और रेगुलर उतारना है। जो भी बातें घट रही है उसको देखना है कि ये अनित्य क्या है, अनित्य का चिंतन करो, कौन सी भी बात हो। हम घर में रहते हैं, चाहे ऑफिस में जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, घर में भी है, घर में भी तो बहुत सारी ऐसी बातें होती रहती है कि उसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं, टाइम निकालने की जरूरत नहीं, और रेगुलर हो जाता है, अगर एक बार हमने शुरुआत की ना तो हो जाता है, ऐसा चिंतन करना है। और ये भी है कि हम अनात्मा को भी आत्मा करके चलते है, कि हमारा जो शरीर है वो ठोस नहीं है, वो पंच धातु से बना है, फिर भी हम अपने शरीर से आसक्त रहते हैं, छोड़ दो, हम मेरी उम्र होने के बावजूद भी हम बोलते हैं कि ये युवा अवस्था में ही है ना, भले ही ऐसे कुछ बता उम्र रहती है, इतने उम्र तक युवा अवस्था में हम रह सकते हैं, तो फिर भी हम बोलते हैं कि मैं युवा में हूँ। ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं मैं देखती हूँ, उम्र होने के बावजूद भी मैं युवा हूँ ऐसा कह सकते हैं, कोई बहुत सारी महिलाएं ऐसे कि खुद की
बर्थ डेट नहीं बताते ताकि उससे मेरी उम्र पता चलेगी, है ना। ये बहुत सारी बातें हैं ऐसे कि हम छुपा के रखते हैं, क्यों छुपा के रखते हैं पता नहीं। लेकिन हम आसक्त रहते हैं हमारे शरीर से, हमारी उम्र से, हमें लगता है कि मैं कभी मरू ही नहीं, मैं ऐसी रहने वाली हूँ, मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ। यहाँ पे अनात्म भी आ जाता है, यहाँ पे अनित्यता भी है। लेकिन हमें सोचना है कि सच में, और सच में आप देखो, स्वीकारो आपकी उम्र को, स्वीकारो आपकी जो अनित्यता है उसको स्वीकारो। तो उस टाइम में हमें, है ना, एक बुद्ध दर्शन, बौद्ध तत्व का एक ज्ञान प्राप्त होगा। स्वीकारो उसको, स्वीकारना ही पड़ेगा। नहीं तो हम जो बुद्ध की जो शिक्षा है ना, उसको हम अच्छी तरह से सीख नहीं पाएंगे। जो अनात्मा है, हमारा जो शरीर है अनात्मा है। कौन सी भी वस्तु, एक सादा सिंपल सा उदाहरण लेंगे ना, तो एक हमारा जो हमारे पास पेन रहता है ना, पेन भी अनात्मा है। अभिरुचि आपका आवाज नहीं, ठीक है। तो जो पेन है ना, ये सिंपल सा पेन है ना, ये मैं दिखा रही हूँ, ये जो पेन है ना, ये पेन भी अनात्मा है। इस पेन में भी अनात्मता है, ये अनित्य भी है। और ये अनात्मा अनित्य होने के बाद ये हम न समझने के कारण हम दुख सह लेते हैं। ये दुख है। ये पेन कैसे है, अभी देखो, ये जो है ना, रिफिल मतलब पेन नहीं है, है ना। ये इसका ऊपर का जो मैंने निकाला है, ये मतलब पेन नहीं है, टोकन है ना। हाँ, फिर ये जो रिफिल का जो ये नोक है ना, तो ये भी हम उसको पेन नहीं कह सकते, ये पूरा अलग अलग हो गया है। हाँ, ये भी रेड कलर का है, वो भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा। फिर उसको हम पेन बोल सकते हैं क्या? सिर्फ इस शाही रिफिल में शाही रहेगी, क्या उसको हम पेन कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। इस टोपन को पेन कह सकते कि नहीं? इसका सिंपल, एक सिंपल वर्ड है टोपन करके, है ना। ये बहुत ही अलग अलग है। तो इसमें भी अनित्यता है, इसमें भी अनित्य है, अनात्मा है और अनित्य है। कौन सी भी वस्तु, ये जो पेन है, एक ही वस्तु से नहीं बनी है, ये बहुत सारे वस्तु से बनी है। एक रिफिल रखी है, रिफिल किसको कह रहे हैं, जो इस प्लास्टिक ऐसे गोल गोल करके रखा है, तो उसमें शाई भर गई है, और एक टोकन है, उसपे एक नोक है और रखा है, तभी वो एक रिफिल बनी है। फिर ये रिफिल कैसी है, उसमें एक और एक टोकन आ गया, और ये जो है बड़ा वाला, ये भी इसमें चला गया, तो फिर ये क्या हुआ, पेन हुआ। तो ये छोटी सी बात है, इसको भी हमें समझना चाहिए। तो जो अनात्मा है, अनित्य है, तो क्या इसको अगर हम ये समझ रहे हैं जीवन में, तो इसको, इसके लिए कुछ टाइम निकालना पड़ेगा क्या? नहीं, इसके लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। कौन सी भी किताब हुआ, हम किताब किसको कहते हैं, जो भी हमारे सामने जो भी वस्तुएं आती है ना, तो उसको, उसको लेके हमें चिंतन करना है, अनात्मा और अनित्य को, अनित्यता उसमें देखनी है। तो इसके लिए कुछ टाइम निकालना नहीं पड़ेगा। ये जो बातें मैं बता रही हूं आपको, तो इस सबसे ऊपर धम्मदिना उठी थी। हम बोलते हैं ना कि इसमें क्या परिवर्तन है, उन्होंने ये किया, वो किया, श्वेतापन्न अवस्था प्राप्त की उन्होंने, सकृदागामी अवस्था प्राप्त की, लेकिन क्या किया उन्होंने सकृदागामी करने के लिए, या श्वेतापन्न अवस्था प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या त्याग दिया है, और उनकी जो मानसिकता है वो किस तरह से बढ़ी है। मैंने कहा था पहले भी कि शरण भूषण का जब शिविर हुआ था, उसमें सिर्फ एक ही महिलाएं हैं, बाकी के सब पुरुष हैं। वही मुझे प्रश्न आया था कि ऐसे इनमें क्या बात हुई होंगी कि उन्होंने शरण भूषण पर भंते संघरक्षित जी ने सिर्फ धम्मदिना को ही रखा है। तो ये जो बातें मैंने बताई है, तो उनकी इनके ऊपर उठी थी। हाँ, जो भी दूसरा है, हम सुख में ही, दुख में दुख है, वहां पे जो भी अनित्यता है, उस ठीक से समझ न पाने के कारण हम दुखी है। और दुख को भी, जब हम दुख, हमें दुख होता है, उससे भी भागते हैं।
क्योंकि हमें सुख चाहिए। हाँ, अरे दुख को संभालो, दुख की तरफ देखो कि मुझे ये दुख क्यों हुआ है। ये दुख होता है क्योंकि हम हमारे जो पंचशील है, तो पंचशील की तरह हम जागृति की तरफ नहीं देखते, जागृति की तरफ देखना चाहिए। मेरे मुझ में दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं वस्तुओं से आसक्त हूँ, मेरे मन में द्वेष भरा है, मेरे मन में लोभ भरा है, मेरे मन में मोह भरा है, उसकी वजह से मुझे दुख हुआ है। अगर आप अनित्य को देखेंगे, अनात्म को देखेंगे, इनका चिंतन करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सुख दुख होगा। हमें लोभ क्यों हो रहा है? जो भी हमारे ऊपर संस्कार बने हुए हैं, अभी भी कोई बात नहीं, अभी भी टाइम नहीं गया, अभी भी हमें चिंतन करना है, करो। सच में बुद्ध ने जो शिक्षाएं बताई है, उसकी शिक्षाओं की, उनकी शिक्षाओं के ऊपर ध्यान दो। हम ऐसा नहीं करते, और हमें बहुत बार शिविर करना पड़ता है, बहुत बार, एक ही शिविर कितने बार होता है, और हम बोलते भी है, ये मेरा शिविर इतनी बार हुआ है, ये जो सब्जेक्ट है कितनी बार हुआ है, हो रहा है। लेकिन हर एक धर्मचारी धर्मचारिणी अलग अलग ढंग से बता रही, लेकिन उसमें जो कुछ तो ऐसा होता है जो हमें मिलता है, चिंतन करने पर मजबूर करता है, तो उसकी तरफ ध्यान दो। अभी आपने ये थेरी गाथा का प्रवचन श्रृंखला रखी है, चलो बाबा 2:30 बजे हमें यहाँ पे आना है, बैठना है, सुनना है, कितना सुनना है मुझे पता नहीं, उसका तो नियोजन करते ही नहीं हम, क्या करने वाले हैं। तो ये जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं ना, छोटी छोटी बातों को लेकर हम अगर चिंतन करते हैं अनित्य और अनात्म को लेके, तो हो सकता है हमें सुख मिल सकता है, थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो हमें सुख की अनुभूति मिलती है। करो, हमें पता है ध्यान के माध्यम से मैं सुखी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे ध्यान करना ही नहीं है, है ना। ये जो हम रेगुलर जो नियोजन करते हैं कि मुझे ध्यान करना चाहिए, क्योंकि संघ ने बताया है, शिविर में बताया है कि ध्यान करना है, लेकिन क्यों करना है ध्यान? मुझे सुख चाहिए तो मुझे ध्यान करना है, फिर भी हम भौतिक जगत के ऊपर चले जाते हैं, उसमें ही सुख मान के चलते हैं, उसको ही। यहाँ पे प्रज्ञा नहीं होती, यहाँ पे प्रज्ञा नहीं होती, इसीलिए हम इस विपर्यास में है, और इस विपर्यास के ऊपर धम्मदिना उठी है, तभी वो अरहंत हुई है। अरहंत ऐसे ही नहीं हुई, उनको भी 10 बंधने तोड़ने पड़ते हैं, बराबर है ना। 10 बंधने तोड़ने के लिए उन्होंने कैसे किया होगा, कभी प्रश्न किया है क्या खुद को? तो महिलाएं थी, तो प्रश्न करो, खुद को प्रश्न करो, और उनके ऊपर उठना है। ज्यादातर दुख जो है तो संस्कारित है ना, सभी वस्तुएं संस्कारित वस्तु है, वो हमें दुख कारक है, हमारे लिए वो दुख कारक है, और इस दुख को हमें देखना है। हमारा दुख क्या है? मैं मर जाऊंगी, उसका टेंशन है। मेरे मरने के बाद क्या होगा? मेरा शरीर या मेरा मृत, मेरा मरण मेरे साथ ही चलता है, जैसे जन्म हुआ ना तभी भी हम मर सकते थे, है ना। लेकिन मैं हमेशा एक भी पैर आगे रखती हूँ, तभी भी मुझे मरण आ सकता है, तो मैं ये मौका क्यों गवाऊ? मुझे ये मौका सत्यता खोजने के लिए मैं क्यों गवाऊ? मुझे सत्यता खोजनी है, एक एक पैर में डाल रही हूँ, तभी भी मेरा मरण आ रहा है, मेरे साथ है, मेरे छाया की तरह मेरे साथ मरण है मेरा, तो मेरा कुशल कर्म मैं क्यों नहीं बढ़ा रही हूँ, सोचना है। और ये धम्मदिना ने जो अरहंत प्राप्त किया है तो किस तरह से किया है, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो जब उनको अरहंत पद प्राप्त हुआ था, तो वह बुद्ध की एक, ऐसे कहते हैं कि बुद्ध की एक धम्म प्रचारक शिक्षाओं में अग्रणी मानी जाती थी। निर्वाण प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होने के लिए जब वह पुरुषार्थ कर रही थी, तब उन्होंने कहा कि छंद जाता अवसाई मनसाच फुटोशिया कामेशु अपटी बत चितो उद्धं सोतति उच्चति ती। इसका अर्थ है, जिसके मन में सर्वोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इच्छा उत्पन्न हुई है, और इस इच्छा ने
जिसके पूरे चित्त को भर दिया है, जिसका चित्त कभी काम भोगों से बंधा नहीं है, वह ऊर्ध्व श्रोता कहलाती है। संसार रूपी श्रोता धारा के ऊपर जाने वाली, हाँ, जो श्रोता क्या है, संसार रूपी श्रोता धारा के ऊपर जाने वाली, यानी जो विपर्यास है इसके ऊपर उठने वाली उसको ही श्रोता कहा जाता है। श्रोतापन्न अवस्था हम जो बोलते हैं ना, तो उन्होंने तो अरहंत प्राप्त किया था, वो तो श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी इसके भी ऊपर वो उठ चुकी थी। तो ये सब धम्मदिना के बारे में मुझे कहना था, और उनमें जो मैंने कुछ खूबियां निकाली है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मेरे जीवन में ऐसा मैं कोशिश करनी चाहिए कि सच में उन्होंने किस तरह से अपने पति के साथ वार्तालाप किया, उनकी भी जो संभाषण था दोनों का, तो वो किस तरह से था, तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं हमेशा हम दूसरे के ऊपर बोलते हैं कि आपके कारण हुआ है, आपके कारण हुआ है, लेकिन सूक्ष्म तौर पर हम पे इतना अहंकार होता है। मैं एक हफ्ता हो गया है मैं अपने खुद के अहंकार की तरफ देख रही हूँ, मुझे अपना छोटी छोटी बातों में भी मुझे मेरा अहंकार दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि वो मुझे गाली न दे, मुझे ऐसे निचला न समझे, ऐसा ही सोचते रहते हैं, लेकिन मेरा अहंकार किसमें है ये हमें समझ में नहीं आता। किसी ने हमारी गलती बताई तो हमारा अहंकार ऊपर आ जाता है, हमें लगता है यही सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारा अहंकार ऊपर जाता आता है और हम जोर से बोलते हैं तो उसमें ही अहंकार होता छुपा होता है, उसमें ही द्वेष छुपा हुआ होता है। हम तो अहंकार से भरे होते हैं, लेकिन आगे का व्यक्ति हमारी अगर ये क्या बोलते हमारी गलती बताते हैं तो सरलता से बताते हैं ताकि हमें बदलाव हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमें बदलाव लाते ही नहीं, हमारा अलग सा ही बर्ताव होता है। तो उसकी तरफ ध्यान दो, क्यों होता है, आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई बहुत बुरा कहेंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमेशा ऐसा है कहते हैं कि हमें अगर मैंने ऐसे सहन किया तो कैसा होगा, वो सहने की बात नहीं है, वहां पे समझदारी की बात है। तो ये सब बातें हैं, इसमें मैंने ये सब धम्मदिना का जो मैं वो लेसन पढ़ रही थी, पाठ पढ़ रही, तो मुझे ये सब समझ में चिंतन करे तो समझ में आ रहा था कि मुझे धम्मदिना को किस तरह से रखना है सभी महिलाओं के सामने। हो सकता है ये सभी बातें आपको गलत भी लगी होगी, या बहुत ही ढीलापन भी लगा होगा कि ये कैसे बता रही है, किस तरह से बता रही है, लेकिन मुझे लगा था कि मुझे बताना चाहिए इस तरह से। तो मैंने जो भी जिस तरह से आप धम्मदिना को मैंने आपके सामने रखा, तो हो सकता है किसी को फायदा हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आपने जो भी मुझे सुना है, जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से आपने मुझे सुना है, तो बहुत ही मैं आपका पुण्यानुमोदन करती हूँ, और उसी के साथ मैं यहाँ पे रुकती हूँ। धन्यवाद। और एक बार जिन आप सभी ने, भोपाल के महिलाओं ने मुझे जो मौका दिया है, तो उसके लिए भी मैं आप सभी का पुण्यानुमोदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। यही पे रुकती हूँ।